स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप निफ्टी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको यहां पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। साथ में अगर आप शेयर मार्केट के ज्ञान को लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये ज्ञान मिल सके, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं एंजल वन के ऐप को खोल कर रखा हूँ। यहाँ पर ऐप को खोलने पर देखिए, यहाँ निफ्टी दिख रहा है, सेंसेक्स दिख रहा है। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि चलो निफ्टी को हम बाई कर लेते हैं, निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ये मार्केट का इंडेक्स है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा लॉस नहीं हो सकता। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बाइंग का कोई ऑप्शन नहीं दिखता। जैसे कि निफ्टी एक इंडेक्स है, तो यहाँ पर अगर आप बाई करने जाएंगे तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखेगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो कई सारे शेयर्स दिखने लग जाएंगे जो निफ्टी 50 के अंडर में आते हैं। और यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और यहाँ पर सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू किसी भी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। तो यहाँ पर क्या तरीका है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का? तो यहाँ पर आप जान के रखिए कि निफ्टी 50 में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। ट्रेडिंग तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर मैं उस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप 200 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दो तरीके जान लीजिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का। एक हो जाता है म्यूचुअल फंड के रास्ते और दूसरा हो जाता है ETF के रास्ते। अब म्यूचुअल फ़ंड तो आपको पता ही होगा म्यूचुअल फ़ंड क्या है। यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड में बस आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने वाले इंडेक्स फ़ंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर आप अपना SIP कर दीजिए या फिर लमसम कर दीजिए, आपका निफ्टी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब वो कैसे करना है वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पर जैसे म्यूचुअल फ़ंड का सेक्शन दिया हुआ है, इस म्यूचुअल फ़ंड सेक्शन में आप आइए, यहाँ पर SIP विथ 100, SIP विथ 500 जो भी कहना कर दीजिए, या फिर एक्सप्लोर और फंड्स करिए और यहाँ पर निफ्टी 50 लिखकर सर्च करिए। आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से फ़ंड निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HSBC, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये अलग हो गया, फिर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ऐसे करके कई सारे निफ्टी इंडेक्स फंड दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप मार्केट के एक उतार चढ़ाव को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन का समय लगता है। लेकिन मैं जिस तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप संग संग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जो तरीका है वो ETF है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के तरफ से मैनेज किए जाते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड जितने सेफ है उतने ही सेफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है। यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है, शेयर मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है यानी कि अप जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी अप जाएगा, और डाउन जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी डाउन जाएगा। ये रिस्क है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शेयर मार्केट के। तो यहाँ पर जैसे देखिए निफ्टी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ETF के जरिए, तो सिंपली आप निफ्टी 50 ETF लिखकर सर्च कर सकते हैं। ऐसे सर्च करने से आपके पास कई सारे ETF आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अभी क्वांटम निफ्टी 50 ETF आ रहा है। इसके अलावा सिर्फ अगर आप निफ्टी ETF लिखेंगे तो भी आपको कई सारे ETF दिख जाएंगे। जैसे देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस जो निफ्टी ETF है वो हो जाता है निफ्टी 20 ETF। इसके अलावा कोटैक निफ्टी ETF भी है, ICICI प्रूडेंशियल का भी निफ्टी ETF है, फिर इसके अलावा आपको और भी कई सारे निफ्टी ETF दिख जाएंगे। यहाँ पर SBI का भी आपको एक निफ्टी का ETF मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है। जैसे देखिए ये रहा SBI का निफ्टी 50 ETF। अब जैसे यहाँ पर आप एक बात जानकर रखिए, ये जो निफ्टी 50 के इंडेक्स ETF आपको दिख रहे हैं, ये इंडेक्स ETF भी लगभग आपको निफ्टी 50 जैसा ही रिटर्न देंगे। यहाँ पर अगर निफ्टी 50 मान लेते हैं 50% अप जाता है, तो यहाँ पर आपको जो निफ्टी इंडेक्स ETF है वो भी 50% अप जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक अंतर है निफ्टी इंडेक्स में और निफ्टी ETF में कि यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप निफ्टी के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वेटेज के हिसाब से, तो आपको डिविडेंड भी हर साल मिलेगा। लेकिन अगर आप निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसा डिविडेंड जो मिलेगा वो ETF में वापस इन्वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो निफ्टी ETF का रिटर्न है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, ये आपको काफ़ी बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब जैसे अगर आपको बेस्ट ETF के बारे में जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो SBI निफ्टी 50 का ETF हो गया ये, और निफ्टी 20 ETF,
ये दोनों ही ETF काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर दोनों ही मार्केट लीडर्स है निफ्टी के इंडेक्स फंड में। अगर आप लिक्विडिटी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में तो आप निफ्टी 20 के तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप SBI के निफ्टी ETF की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही एक तरीके से लगभग सेफ ही है, लेकिन SBI का नाम जुड़ जाने की वजह से SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड और ज़्यादा सेफ हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कैसे इन्वेस्ट करना है तो देखिए, यहाँ पर अगर आप बाई बटन पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप जैसे किसी भी शेयर को खरीदते हैं उस हिसाब से आपको अपना प्राइस देना पड़ेगा, क्वांटिटी देना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पर बाई बटन पर क्लिक करके बाई कर लाना पड़ेगा। बस ऐसे आसान तरीके से आप निफ्टी के इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पता चल गए होंगे इन्वेस्ट करने के रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।